के मुसलमान बने, रूह के मुसलमान बने, जुबान के मुसलमान बने। एक हिंदू ने ना किताब लिखी है हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के सीरत मुबारका पर, हिंदू ने। वो हिंदू कहता है कि मैंने ना अजीब मंजर देखा है अरब के लोगों का। हिंदुओं ने ना बड़ा खूबसूरत मेरे महबूब के बारे में लिखा है। एक हिंदू ने जब हुजूर की सीरत पर किताब लिखी तो कुछ लोगों ने कुछ अशआर लिखे, तो लोगों ने कहा तू हिंदू होके हुजूर पे लिखता है, हिंदू होके। उसने बड़ा अजीब जुमला कहा, कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे। और फिर कहने लगा नामो नसब से अगरचे हिंदू हूं, पर कमली वाले मैं तेरा साधु हूं, कमली वाले मैं तेरा साधु, मैं तो साथ दीवाना हूं यार सुल्ला आपका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लोग लिखते हैं, वो कहते हैं वो मोहब्बत से नहीं लिख रहा, वो समझ ले कि एक आलमी तजिया निकाल रहा है तो एक तजिया दे रहा है। कहता मैंने दो किस्म के अरब देखे, दो किस्म के। एक अरब मैंने वो देखे जो इतने अनापरस्त हैं, इतने खुदगर्ज हैं, इतने अपने जात के बुत में उलझे हुए हैं कि वो एक हौज पे अपने घोड़ों को पानी पिलाने गए, 10-15-20 घोड़ों को पानी पिलाने गए हैं, तो झगड़ा हो गया। पहले मैंने पिलाना है, मैं बड़ा चौधरी हूं। उसने कहा नहीं मैं तुझसे बड़ा हूं, पहले मैंने पिलाना है। इस पे झगड़ा हुआ, वो गैर जानिबदार तजिया निगार कहता है इस पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कत्ल हुए, इतने कत्ल हुए कि ये कत्ल नस्लों तक चले, नस्लों तक ये कत्ल आगे बढ़े। वो कहता एक मैंने वो अरब देखे, और फिर कुछ अरसे के बाद मक्के और मदीने में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आए। कहता फिर उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग भी देखा, उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग, वो जो घोड़े को पानी पिलाने पर लड़ रहे थे, आज मैंने देखा कि एक जंग के मौके पर 3 से 7 जख्मी पड़े, जख्मों से चूर हैं। एक आदमी पानी का प्याला लेके आया, एक को कहा पानी पी लो, जख्मी हो, शदीद जख्मी हो, नजा का आलम है, थोड़ी देर में हो सकता है शहादत नसीब हो, पी लो। कल जो घोड़े को कहता था पहले मैंने पिलाना है, मैंने पिलाना है, आज वही कौम मैंने अजीब रंग देखा, कहा पानी पी लो, तो कहने लगा यार मैं थोड़ा जख्मी हूं, ये जो मेरे साथ लेटा है ये ज्यादा जख्मी है, पहले उसको पिला दे, मेरे भाई का भला हो जाए। कहता पानी लेके उसके पास पहुंचे, उसको कहा तू पी ले, तो वो कहने लगा नहीं मैं जख्मी जरूर हूं पर जवान हूं, ये मेरे साथ जो सियाबी लेटे हैं ये जख्मी भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनको पहले पिला मैं बात। कहते मैं तीसरे के पास गया तो उसने कहा नहीं यार चौथे को पिला, वो जख्मी भी है बीमार भी है, उसे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा पांचवें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार छठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं छठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो पांच जिस रसूल का कलमा पढ़ते थे मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूँ, तो मुझे ना पिला सातवें को पिला। कहते उसके करीब गया और मैंने वो मंजर देखा कि वो कहने लगा नहीं अगर वो 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मैंने भी नबी पाक से तरबियत ली है, तू पहले के पास जा। कहते मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो रूह परवास कर गई, मैं दूसरे के पास गया तो कलमा पढ़ के शहादत का जाम पी गया, मैं तीसरे के पास गया तो हौज़े कौसर तक वो भी पहुंच गया। कहते हैं सातों के सातों विशाल कर गए, पानी मेरे हाथ में था और मैं उस सहरा में खड़े होके सोच रहा था ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल का कलमा भी पढ़ा है, रूह का कलमा भी पढ़ा है, ये इनका सिर्फ वजूद नहीं झुकता रब रसूल की बारगाह में, जब ये झुकते हैं तो इनके दिल भी झुके हुए होते हैं, इनकी रूहें भी झुकी हुई होती। हालात बदल गए मेरे भाई, एक जमाना वो था जब हजरत उमर फारूक की लौंडी ने कलमा पढ़ा, हाँ हाँ हजरत उमर लौंडी ने कलमा पढ़ा तो हजरत उमर ने उसे उल्टा लटका लिया दुर्रे मारते। बीबी कहती है उमर मुझे इतना मारते कि मारते मारते थक जाते, फिर पानी मंगाते, पानी पी के फिर मारते, फिर मारते। ये वही उमर है जो कहते जो कलमा पड़ेगा गर्दन काट दूंगा, ये वही उमर है जो कोई गरीब मिस्कीन करीब नहीं फटक सकता था, लौंडी को दुर्रों से मारते, वही उमर कलमा पड़ गए। पर पहले तो एक कबीले के सरदार थे ना भाई, पहले एक कबीले के सरदार थे तो
उल्टा लटका के मार। चाहिए था ना जब अमीरुल मोमिनीन बनते ज्यादा सख्त हो जाते और इनके अंदर सख्ती आती, पर अमीरुल मोमिनीन बन गए। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, चेहरे पे नकाब पहना। कंजुल उम्माल में रवायत मौजूद, वही उमर जो कल गरीब औरत को दुर्रों से मारते हैं, वही उमर। इनकलाब आ गया, सोच बदल गई, निगाह और दिल मुसलमान हो गए। उमर गुजर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। चेहरे पे नकाब पहने उमर रुक गए। अफला गुलाम साथ था, कहने लगे पता कर कोई मसला है। दरवाजे पे दस्तक दी। बीबी तेरे बच्चे क्यों रोते? कहने दौड़ जाओ, कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नई दास्तान बताएं। अभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ मैं हल करूंगा। फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं। बीबी कहने लगी जा दौड़ जा। दर्जनों आते हैं रोज, पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी, बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? तो औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन, फिर मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया है। इनकी गलती ये है इन्होंने गरीब घरों में परवरिश पाई है। इनकी गलती ये है कि इनका दादा रईस नहीं था। इनकी कुताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था। इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई। और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया, उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं। मेरी गरीब नी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं। ये गलती है, पहले तो मैं कुछ ना कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं। शाम से लेकर पानी और रोड़े हंडिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने दे। सब रोगों का रोग मोहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंग जाते नहीं दोस्त यार करीबी। कब भूख बड़ी जालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सो, अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए, 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे पे। गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे, फरमाया बता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा। हजरत उमर लाए, फिर उमर ने उस बीबी के घर में चराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, बैठ गई। उमर कहते मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई, फिर फारूक कहते मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, ओ भाई जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आटा गूंदते, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते, फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया, फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आदम रोटी के लुक में उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी। उमर से नाराज तो नहीं हो? छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है, आप क्या बात। फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया, फिर फारूक आजम सेहन में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर आप क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं। फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप ही खबर कर देती। बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं, मैं क्यों बताऊं। हजरत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए आप आ जाए। पर मैं अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी? कहा हाँ कर दूंगी। हजरत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा, फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ,
तूने देखा नहीं था, जा तेरी दुआ मकबूल हो गई। वो बीबी कहने लगी, आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई। फरमाया, बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहाँ भी माफ कर देना। वहाँ भी सवाल, शर्त ये है, तेरा दिल कितना मुसलमान है। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान, हम अपने आप को खेच खाच के मस्जिद में ला के दो चार रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज है हदीस में। नबी पाक ने फरमाया, मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं, पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बार फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला, पूछने लगे थे हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे, फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। तीन दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। इतनी मर्दी तस्बीह पड़े तो ना मर्दी रब रब कहे। तो मेरे भाई याद रखे, रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे, एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो छह बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता, हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूं। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर, हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट गाय भेड़ बकरियां रखी हुई थी और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला, वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा। तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना तू इस रस्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता, उनका बस चले ना तो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर ले, तो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूँ। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले रखते हैं ना आप चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के, अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा, जब अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले मैं 6000 दे देता हूँ, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ, लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है, तू अपनी ऑफर पे कायम है, वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा। कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है। कहने लगा मैं तो कायम हूं पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे। फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए, उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा, जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे। फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई, बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है।
क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12,000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए का हुजूर आप दें इस ईसाई को, डबल दें और जाए काम करें। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा, मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का, पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12,000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12,000 दिनार भी बांट दिया और 12,000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12,000 आया है पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने, वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12,000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई। तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े, फरमाने लगे तू नहीं ना जानता ये बेटियां सांझी होती हैं, पता नहीं ना मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं, तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमा फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं, तो ये नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है पर तेरे करीब आके पता चला है तो बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी। जालिम की बोलिए, जाते नहीं लोग झूठे गवाह बन के, वकील साहब को नहीं पता होता कि ये बंदा मुजरिम है जो मेरे पास आया, क्या मुजरिमों के वकील नहीं होते? बोले उसको पता नहीं होता वकील साहब को कि ये साहब मुजरम है, मेरे पास मुकदमा लेके आए हैं, और अगर बेअदबी ना हो जाए तो मेरा ख्याल है काजी अदालत को भी पता होता है कि मुजरिम कौन है और मजलूम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज्यादा सख्ती फरमाई इस मसले में, फरमाया जिसको पता था कि फला आदमी जालिम है, जुल्म कर रहा, फिर वो जालिम का गवाह बना या उसने जालिम की मदद की, कितनी की? शारहीन लिखते हैं चाहे उसने एक जुमला बोल के की, चाहे एक, सारे बोलिए चाहे एक, गरीब को उसने जुल्म किया तो कहते हैं इलाज ये, चाहे एक जुमला बोल के की, शारहीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं एक जुमला बोल के चाहे मदद की, जिस बंदे ने किसी जालिम की मदद की किसी मुकदमे में या किसी सूरत में और उसे पता था ये जालिम है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उसने मदद की, अभी जालिम की बात नहीं हो रही, जालिम के मददगार की बात हो रही, अगर किसी ने जालिम की मदद की तो हुजूर फरमाते हैं खुदा भी उससे बरी जिम्मा है, रसूल भी उससे बरी जिम्मा है। संभाल के रखे अपनी नमाजें, कुर्बानियां, हज, ज़कात संभाल के रखे। अगर जालिमों का मददगार है, इलेक्शन आ लेने दे, आपको नजर आ जाएगा कौन कौन जालिमों का मददगार है, नजर आ जाए, अपनी जेब से लोग पैसे दे के जालिमों की मदद करेंगे, उनके फ्लैक्स छपवाएंगे, बोर्ड लगवाएंगे, जेबों से पैसे देंगे। हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम ना दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तो ही ने शहर शाम को इल्जाम ना दो। जालिमों के मददगार मैदान में आ गए, ये छोटा लफ्ज नहीं, मेरे हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जालिम का मददगार है सुन ले जो सज्जन के साथ कचहरी जाता है, वो याद रखे जो दोस्त का गवाह बनता है, वो याद रखे जो कहता है मैं मांगी गया था, मुझे बुलाया गया था कब्जा छुड़ाने के लिए किसी गरीब बेवा की जायदाद पे, कब वो सुन ले तू मदद करके नहीं आया, तू खुदा के जिम्मे से निकल गया है। रसूल पाक ने फरमाया तेरा मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, तू जालिम का मददगार हो गया, फिर तू कहता मैं बेचैन हूं, मैं बेकरार हूं, मैं आजमाइश का शिकार हूं, पलट के देख तो सही तेरा गुनाह कितना बड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुन ले, इब्ने माजा अबू दाऊद में मौजूद है, इस हदीस को आपने याद कर लेना, कर लेंगे इंशाल्लाह, सारे कहिए इंशाल्लाह, कर लेंगे याद।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू जालिम की मदद करेगा ना, ये लफ्ज दिल की तख्ती पे लिख लेना, ये मुकफाते अमल है, मुकफाते अमल दुनिया, इधर करोगे तो उधर भरोगे। फरमाया अगर तू किसी जालिम की मदद करेगा, सुन ले हुजूर का फरमान है, अगर तू इब्ने माजा अबू दाऊद सिहाह में मौजूद है, फरमाया अगर तू किसी जालिम की मदद करेगा तो रब ताला मरने से पहले पहले तेरे ऊपर भी जालिम को मुसल्लिम कर देगा, तेरे ऊपर भी एक दफा जुल्म जरूर होगा अगर तू जालिम की, वो किसी सूरत में भी हो सकता है, किसी सूरत में तेरा बेटा ही उठ के जुल्म कर देगा, तू उलझ जाएगा, किसी न किसी जगह तेरे लिए तबाही का सामान होगा, तेरे ऊपर जुल्म होगा, इसलिए कि तू जालिमों का मददगार है। चाहिए ये था कि तू मजलूम की मदद करता, इंसानी ईमानी यकीन का फरीजा सर अंजाम देता, तू जालिमों का मददगार हो गया। टटोल के देख लें, रिजल्ट निकाल के देख लें, हमारे जमाने में जालिमों के मददगार ज्यादा है, इतनी इतनी लंबी जुबानें निकाल के जालिमों की मदद करते हैं, बड़े बड़े कालम नबीस अल्लाह ने उन्हें कुदरत दी लिखने की, तो अपना कलम जालिमों की मदद में खर्च करते हैं। वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत दी, हिम्मत दी, ताकत दी, कुछ लोग उनके हल्का अहबाब में, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करके जालिमों की मदद करते हैं, जालिमों की मदद करते हैं। मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने जालिम की मदद की तो जब तक तू तौबा नहीं करेगा रब तुझसे नाराज ही रहेगा। अल्लाह तुझसे, ओ भाई जी, से रब भी नाराज हो गया, न खाना न पीना न सोना न जागना न नींद, फिर तेरी हर चीज तेरे लिए आजमाइश हो जाएगी, फिर तेरा साया भी तेरे लिए खौफ का सामान बनेगा, फिर जिंदगी जीती जागती लाश बन जाएगी, तो अपने कंधों पर अपनी मैयत उठाए फिरेगा जब तू जालिम का मददगार होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, जालिमों का मददगार भी, सारे बोले जालिमों का मददगार भी, नहीं को नहीं, आप सारे नहीं बोले, एक दफा बोले, जालिमों का मददगार भी, पक्की बात है, जालिमों का मददगार भी, अल्लाह जिसका यराना हो, जिसका दोस्ताना हो, जो कहे मैंने ना इसको औखे वेले के लिए जालिम को याद रखा हुआ है, कभी मुश्किल पर रखे नहीं हुए लोगों ने जालिम दोस्त, कहते मैंने रखे हुए हैं, बल्कि हमारे देहात में तो कहते हैं मैंने बाजू बनाए हुए, किसको बाजू बना लिया, जालिम भी कभी बाजू होता है, जो जुल्म की तलवार लिए मैदान में खड़ा है, कारून हामान फिरौन नमरूद का हाल नहीं लोगों ने देखा, अपने जमाने में आपने कितने लोग नहीं देखे जिनके साये से आवाज से लोग कांपते थे, फिर पुलिस की गाड़ियों में वो इस तरह मुर्दा पड़े कि दुनिया ने तमाशा देखा उनका, ये रंग हमने देखे नहीं अपनी आंखों से। फरमाया जालिम का मददगार भी, जो कार में बिठा के लेके गया वो भी जालिम, जिसने चाय पिलाई वो भी, जिस शख्स ने खाना खिलाया वो भी, जो कचहरी तक साथ गया वो भी, जिसने फ्लेक्स के नीचे बड़े शराबी के नीचे छोटी अपनी फोटो लगाई वो भी, जो वोट की पर्ची डालने गया वो भी, कह देना बाहर निकल के हजरत साहब ने सियासी तकरीर की है, कह देना, पर बात तो सच्ची है ना, खूगरे हम तो से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खूगरे हम तो से थोड़ा सा भी गिला। इमाम मालिक के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मैं दर्जी हूं, एक जालिम बादशाह मुझसे कपड़े सिलवाता है, मैं तो जालिमों का मददगार नहीं ना, एक जालिम बादशाह मुझसे, हुजूर मैं तो मददगार नहीं ना जालिमों का, जो फरमाया जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, तो कपड़े लेके आता है मैं सी के दे देता हूँ, जिम्मेदारी नहीं समझी थी, एक आदमी दुकानदार है, उससे कोई बंदा चीज खरीदने आएगा तो थोड़ी कहेगा मैंने नहीं देनी, तो देगा। कोई बंदा अगर किसी शख्स से कोई काम कहता है जो उसकी फील्ड है, उसका शोभा है, उसका मुआश का वो सिलसिला है, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों का मददगार भी जालिम, हुजूर ने फरमा दिया। तो इमाम मालिक से बंदे ने मसला पूछा, दिल की तख्ती पे लिखने वाली बातें हैं, कहा हुजूर मैं दर्जी हूँ, जालिम कपड़े सिलवाते हैं, मैं तो मददगार नहीं ना। इमाम साहब कहने लगे, नहीं मददगार तो वो होगा जो तुझे सुई धागा फराम करेगा, तू तो पूरे कपड़े सी के देता है, तू तो खुद बहुत बड़ा जालिम है, तो पूरे सूट सी के देता है, तू तो बहुत बड़ा जालिम खुद है, मददगार तो वो होगा जो तुझे धागा देगा, जो तुझे बटन देगा, जो तुझे नलकी देगा, जो जालिम से इतनी नफरत जुल्म करके बनता है, यहाँ तो हमारे जमाने में हीरो बन जाते हैं लोग, जालिम हीरो है, लोग उससे डरते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, और बहुत सारे कम मिजाज लोग उसके पीछे हाथ बांध के फिरते हैं। जालिमों की मदद करना, जालिमों के साथ रहना, ये जुल्म है, जुल्म, ये ज्यादती है,
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो रब फरमाता है मैं मजलूम की मदद जरूर करूंगा, चाहे जल्दी करूं चाहे देर से करूं, मैं मजलूम की मदद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत माज बिन जबल कहते हैं हुजूर ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया, जब मैं जाने लगा ना तो हुजूर ने बड़ी नसीब देखी, बुखारी में मौजूद है, फरमाते हैं जब मैं पलटने लगा तो मेरे रसूल ने फरमाया माज एक मिनट ठहर जाए, एक बात मेरी याद रखना, इसको ना भूलना। कहा हुजूर क्या? फरमाया देखना किसी पे जुल्म ना कर बैठना, कहीं तुझसे ज्यादती ना हो जाए। महबूबा फिर हुजूर ने फरमाया सुन मेरे माज, मैं तुझे गवर्नर बना रहा हूं, ज्यादती ना कर बैठना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है? तो मेरे करीम ने फरमाया जब मजलूम दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों पीछे हट जाओ, अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों पीछे हट जाओ, दरवाजे खोल दो। फरमाया मजलूम और रब के दरमियान शय हायल कोई नहीं होता। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाते एक दिन ना शेर ने, कहते शेर ने एक दिन ना रीछ को साथ ले लिया और साथ ले लिया लोमड़ी को, उसने कहा और शिकार करने चले, चलो जी। तो शेर की मेहरबानी साथ ले लिया है, हालांकि उसको किसी की मदद की जरूरत है, वो तो बादशाह है, बादशाह सलामत ने साथ ले लिया। शिकार किया तीन चीजों का, एक शिकार किया खरगोश, एक हरन, एक गाय। अब वो शिकार करके वापस आए तो जो रीछ था ना अकड़ अकड़ के चलने लगा कि बादशाह के साथ मैं भी था, यानी शिकार ने मेरा भी हिस्सा। और शेर भी समझ गया बात को कि इसका दिमाग खराब हो रहा है, हालांकि मैंने तो वैसे ही साथ लिया। वो रीछ साहब भी ना तगड़े हो गए, उन्होंने कहा ओहो मैं साथ ही था के, अब बादशाह ने तो वैसे साथ लिया था कि चलो दो चार आदमी मिलकर। तो वो पीर बारिस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा कि आपके जो शेख हैं, आपके मुर्शिद हैं, आपको बुला बुला के मशवरे लेते हैं, काम लेते हैं, तो आप तो बड़े खुश नसीब हैं। तो उन्होंने कहा हीर हस बोले थे ओदी मेहरबानी, वरना रांझे ते लाड ही लड़ावले ने। उन्होंने कहा ठीक है, अगर उसने मेहरबानी कर ली है तो उसमें मेरा नहीं उनकी नजर शफकत है, हीर हस बोले थे ओदी मेहरबानी, उन्होंने मेहरबानी फरमाई है तो बड़ी करम नवाजी है, वरना मन आनम के मन दानम जो मैं हूं उसका मुझे पता तो है ही ना, तो मैं इसमें अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझ। उसने ना शेर ने भांप लिया, उसने कहा कि इसके जेन के अंदर बात आ रही है कि शायद मैं को बुला हूं, तभी तो मुझे स्पेशल बादशाह ने कहा कि चाहे मेरे साथ शिकार कर ले, मैं है को मेरे अंदर बात। अल्लाह अकबर। उसने ना आ गए बैठ गए, उसने कहा उससे बादशाह ने के क्या करना है, अब शिकार तो हो गया है तो उसके अंदर तो सौदा समाया हुआ था ना। उसने कहा जी करना क्या है, बांट के खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा तू मुझे कमजोर समझता है, मैं जो चाहता था कर सकता था, मैंने तो अजराए मोहब्बत तुझे इज्जत दी साथ ले ली यार, तू बन के ही बैठ गया है। उसने कहा अच्छा बांट के खाना चाहिए, कहा बिल्कुल, कहा चलो बांटो फिर, कैसे बांटना है। हरण का और बकरे का गोश्त एक जैसा होता है, बल्कि हरण का ज्यादा महंगा होता है, लजीज होता है। अब उसने तकसीम कैसी की, बीच ने चलाकी करनी चाहिए, कहने लगा जी तकसीम सीधी सी है, आप बड़े हैं गाय आपकी, तीन जानवरों का शिकार हुआ ना गाय हरण और खरगोश, कहने लगा आप बड़े हैं गाय आपकी, मैं दरमियाना हूं तो हरण मेरा और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश है लोमड़ी का, उसने को तेरा पला हो जाए, कैसी तुमने तकसीम की है। उसने मारा पंजा और रीछ को भी मार दिया। उसने कहा तू अजीब आदमी है भाई, तुझे तुझ जरा मौका दिया है तो तूने हाथी वहां डाल लिया है जहां बिल्कुल तेरा बनता ही नहीं था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अच्छा मर गया, अब लोमड़ी भी संभल के बैठ गई, लोमड़ी जरा तेज है चलाक है। तो मुल्ला रूमी अले रामा कहते हैं, और शेर कहने लगा लोमड़ी से चल तू तकसीम कर, तू तकसीम कर क्या करना चाहिए। तो कहने लगी बादशाह सलामत तकसीम बड़ी सादी सी है, सवेरे नाश्ता खरगोश का करें, दोपहर को आप जब खाना खाने लगे तो हरन तनावुल फरमाएं, और शाम को जरा आप ज्यादा खाते हैं तो आप गाय खाएं, यही तकसीम है। बड़ा राजी हुआ शेर। उसने कहा तूने ये तकसीम बड़ी अच्छी की है, ये कहां से सीखी है? कहने लगी रीछ की मौत से सीखी है, अभी मरा है ना मेरे सामने, इसकी मौत से मैंने सीखी है, इसलिए कि अगर ये तकसीम न की तो मर मैं भी जाऊंगी।
बात तो तफन्नों की है, जराफत की है, लेकिन मुल्ला रूमी क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं दूसरों की मौत से ही सीख जा। हजरत उमर का विसाल हुआ, कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी, हजरत अबू दरदा ने ना यूं मिट्टी पकड़ी हुई है तो एक एक चुल्लू करके मिट्टी डालते हैं ना, पहले तीन तीन चुल्लू डालते हैं कि चलो हमारा भी इस नेकी में हिस्सा हो जाए, तो मिट्टी डालने के लिए ना मिट्टी पकड़ी हुई थी। तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? उस मिट्टी को लेकर के जा रहे थे हजरत अबू दरदा, मिट्टी लेके जाते हजरत सैयदना अबू दरदा हजरत उमर की कब्र पर डालने के लिए, ये पकड़ी हाथ में, मिट्टी डालने का इरादा करते तो वापस आ जाते, फिर जाते तो वापस आ जाते, फिर जाते, लोगों ने कहा अबू दरदा डालते क्यों नहीं, तो आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े, कहने लगे इज्जत के इस कोहे गिराम पे मिट्टी डाल दूं, वकार के इस बादशाह पे मिट्टी डाल दूं, फरमाने लगे शहंशाह किरदार पर इस पर मिट्टी डाल दूं, और फिर वो मिट्टी पकड़ी और अपने सर पे डाल ली। फरमाने लगे उमर तू मिट्टी के काबिल नहीं, मिट्टी के काबिल तो मैं हूं, मैं था जिस पर मिट्टी पड़नी चाहिए थी। और आप फरमाने लगे लोगो सुन लो, अगर उमर जैसे तकवे के बादशाह भी रब ने इस जमीन से उठा लिए तो हम भी बचेंगे नहीं, हमने भी अल्लाह की बारगाह में जाना है। अगर इतने इतने पाक बाज लोग, अगर नेकी ही दुनिया में रहने का सबब होती तो ये पाक लोग हमेशा दुनिया में रहते, पर मैं अगर ये चले गए तो चले हमने भी जाना है। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे हुजूर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगे आप दुआ न करें, मैं पैगाम लेके आया हूँ, इसके नसीब में औलाद नहीं, न करें दुआ, ने कर दी पर यहाँ तो है ही नहीं। तो ये लाडले है ना रब रसूल के, अल्लाह रसूल को मना लेते हैं। तो गौसे पाक कहने लगे अच्छा नहीं इसके नसीब में दुआ, चलो ठीक है, औलाद कोई नहीं, कोई नहीं। फिर हाथ उठाए, कहे अल्लाह तुझे पता था ना कि ये मेरी तरफ आ रही है, और अल्लाह तुझे इल्म था ना मेरे दरवाजे तक आ गई है, और मालिक तुझे पता था ना दुआ का कहेगी और मैं दुआ करूंगा, तू जानता था ना, अच्छा अच्छा मैं समझ गया। अब ये लोगों से जाके कहेगी मैं अब्दुल कादर तक भी हुआ यूं पर मेरा काम नहीं बना, मिला कुछ नहीं, ये कहे और दो आंसू शेख अब्दुल कादिर जिला गौस पाक, अल्लाह अच्छा ठीक है, कहेगी ना मैं हुआ यूं, ठीक है कोई अर्ज नहीं। लफ्ज कहे हुजूर गौसे पाक ने, तो जनाब खिजर वहीं खड़े खड़े कहने लगे अब्दुल कादर तेरे भी कुर्बान जाओ, और तेरे रब के तेरे साथ प्यार के भी कुर्बान जाऊं। रब फरमाता है बोलिए कितने बेटे चाहिए बीबी को, आप कीजिए बात। तो गौस पाक फरमाने लगे चूंकि मेरे घर आई है तो रब से फरमाए सात बेटे तो अता कर देना। ओ भाई इतनी सी बात नहीं लोगों की समझ में आती कि मेरा कोई लाडला प्यार वाला हो तो मैं मान जाता हूं, तो जो रब रसूल के लाडले वो जब बात करते हैं तो अल्लाह रसूल भी मान जाते हैं, भाई इतनी सी बात है। एक शख्स ने आके कहा हुजूर मेरा वालिद इंतकाल कर गया, रात ख्वाब में देखा बड़े अजाब में, लोग बड़े परेशान होते हैं इन बातों बड़े, लेकिन मैं बड़े दलाइल कायम कर सकता हूँ। हाँ हमें क्या मलांग समझते हैं कि हम जो बात करेंगे बगैर दलील के करेंगे, बैठ के लोग कहानियां सुना रहे हैं कि जनाब गौस पाक ऐसे कर सकते थे, ये कैसे हो सकता है? तो जो कहानी तुम सुना रही हो तो काफिर भी सुना रहा है, वो कहता है अगर तुम्हारा रब सारा कुछ कर सकता है माशाल्लाह तो फिर उसे कहो फलाना काम करे, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? बड़ी बड़ी अजीब लोग कहानियां करते हैं और शर्म नहीं आती अल्लाह वालों के बारे में इतनी कच्ची और गलीज जुबान इस्तेमाल करते, और मुझे कहने वालों पर इतना शिकवा नहीं जितना सुनने वालों में शिकवा। ऐसे लोगों को सुनते हो जो तोहीन करते हैं रब करीम के बंदों की? सुनो हुजूर गौसे पाक से आके कहा हुजूर मैंने रात ख्वाब में अपने वालिद को देखा अजाब में, मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरे अब्बा के लिए दुआ कर दे। तो गौसे आजम फरमाने लगे वो यहां कभी आया था, बैठा था? हदीस है सही बुखारी में सही मुस्लिम में कि जिक्र वालों की मजलिस में बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे सईद बख्त कर दिया करता है। ये हदीस है बुखारी मुस्लिम में हदीस। अब तुम हदीस मानने से भी इनकार करोगे? जो अल्लाह वालों की महफिल में आए बदबख्त हो तो रब सईद बख्त कर देता है, बुखारी मुस्लिम है। जो जिक्र वालों के साथ बैठे तो रहमत उसे घेर लेती है। उसने कहा हुजूर मेरे वालिद आए हैं आपकी महफिल में। तो गौस पाक ने बुझा लिया मुझल्ला, कहा मालिक तेरे महबूब का फरमान है ना कि जो जिक्र की महफिल में बैठे उन्हें रहमत घेर लेती है, उन पर सकीना नाजिल होता है, वो बदबख्त हो तो सईद बख्त हो जाते हैं। तो अल्लाह फिर बंदा नमाजी करना, वो हमारे साथ बैठा करते थे, मेहरबानी फरमाना, करम नवाजी फरमा। वो शख्स कहता है मैं रात को जाके सोया तो ख्वाब में अब्बा मिले जन्नत का लिबास पहना हुआ है, और मेरे वालिद कहने लगे पुत्र सारे काम छोड़ देना, अब्दुल कादिर जिलानी का दरवाजा ना छोड़ना, खबरदार गौस पाक का दरवाजा ना छोड़ना, हमें मलंग ना समझो।
आप क्या समझते हैं कि हम ऐसे को मलंग तलंग लोग हैं जिसके मर्जी पीछे लग जाएंगे? हम तो बड़े सियाने लोग हैं, हम तो बड़ी जल्दी किसी बंदे को तस्लीम ही नहीं करते। हर बंदा अपने अब्बा का नाम अपने नाम के साथ लगाता है। हमने जिंदगी कादरी लेख के गुजार दी है सारी। आप क्या समझते हैं कच्चे पक्के लोग हैं? अगर यहाँ नहीं वसीयत लिख के रखी है, मरेंगे भी तो कब्र पे पहले लफ्ज कादरी लिखना, इसलिए कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा। और बड़ी तहकीक के साथ और बड़ी रिसर्च के साथ और बड़े सियाने बन गए, लेकिन जिस दिन का मान लिया है फिर बिल्कुल ही मान लिया है, फिर बिल्कुल ही मान लिया। आप यकीन करें मुझे मजा आता है जब मुझे को कहता है कादरी साहब, बड़ा मजा आता है, बड़ा सुरूर आता है। कोई मेरे नाम से नहीं ना पुकारता, उसका बना के पुकारता है, कोई उसका बना के पुकारता है, कोई उसका कह के पुकारता है, तो जरा चस्का आता है, यानी उसमें सुरूर आता है, उसमें जरा कैफ आता है। हुजूर गौसे पाक आपकी निस्बत बड़ी शान वाली, आपका मकाम बड़ा। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कादरी आला हजरत के मुरीद है, वो फरमाया करते थे खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे, हमें दोनों जहां में है सहारा। और कादरी कहते हैं गौस पाक से प्यार करने वाले को, जो भी प्यार करे वही कादरी है। तो खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा, खुदा देगा मुनादी हशर में ये कादरियों को। कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम, कहां है कादरी कर ले नजारा। और फिर फरमाते हैं जमीले कादरी सौ जहां से हो कुर्बान मुर्शिद पर, अपने शेख की बात करते हैं। जमीले कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। ये गौसे आजम वाहद सूफिया की जमात में इमाम हस्ती हैं कि कोई किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखे, वो नक्शबंदी है, वो चिश्ती है, वो सोरवर्दी है, आज आपको सारे ग्यारहवीं देते नजर आएंगे। इसलिए कि गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के फैज जब बरसा है तो मी बन के ही बरसा है, और हर जगह ही बरसा है, हर जगह ही बरसा है।